संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति की विस्तारित बैठक MMT महाविद्यालय दरभंगा में आयोजित की गई, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के सहायक प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षक के कर्मियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने किया। बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव लिए गए, जिन्हें ध्वनि मत से पारित किया गया। प्रस्ताव इस प्रकार थे। संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक प्रोफेसर राजकिशोर झा को स्वास्थ्य कारणों से मुख्य संरक्षक के पद से मुक्त करते हुए रजनीकांत पाठक को मुख्य संरक्षक के पद पर सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने हेतु आंदोलन करने सहित संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षक के कर्मियों के पद सृजन, संबंधित अधिसूचना जल्दी जारी करने तथा सहायक प्रधानाध्यापकों का अधिसूचना जारी कर सरकार के पोर्टल पर देने हेतु विश्वविद्यालय पर दबाव बनाने का प्रस्ताव एवं संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति का राज्य स्तरीय सम्मेलन आगामी 5 एवं 6 नवंबर को दरभंगा या फिर पटना में करने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया गया। संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति में निष्ठापूर्वक कार्य करने हेतु प्रवक्ता प्रोफेसर ज्योति रमन झा, प्रधान महासचिव प्रोफेसर अभय कुमार एवं प्रोफेसर सुरेश राम दहीन ठाकुर एवं पुरुषोत्तम झा को सम्मानित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि संघर्ष समिति के कार्यों से बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा संघर्ष समिति से जुड़ने का आग्रह किया जा रहा है, जिसका उदाहरण सम्मेलन में दिखाई देगा। लगभग 13 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेंगे। डॉक्टर झा ने कहा कि वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने हेतु जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे और लड़कर अवश्य जीत हासिल करेंगे। डॉक्टर झा ने बैठक में आने वाले सभी सहायक प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षक के कर्मियों का आभार व्यक्त किया। बैठक को संबोधित करते हुए नवनियुक्त संरक्षक रजनीकांत पाठक ने कहा कि इस पर मनोनयन करने हेतु बैठक में उपस्थित सभी शिक्षकों एवं शिक्षक के कर्मियों का आभार प्रकट करते हैं, साथ ही वादा करते हैं कि संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति में हम पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे एवं 4 तथा 5 नवम्बर 2022 को आयोजित सम्मेलन को सफल बनाने हेतु अभी से सभी को लग जाने का आह्वान भी किया और साथ में कहा कि सम्मेलन को सफल बनाने हेतु हमसे जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। आदरणीय डॉक्टर राम मोहन झा जी, मंचा सिंह राम सुभग जी, आदरणीय मधुरेंद्र बाबू और हमारे सामने विभिन्न कॉलेज के सम्मानित शिक्षकगण, प्रोफेसरगण, सबसे पहले आज के इस सम्मेलन में मैं आप सभी का हृदय के गहराई से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। सम्मानित आदरणीय राजकिशोर जी संबद्ध कॉलेज संघर्ष समिति के संरक्षक थे और कितना अच्छा सहयोग है कि वो हमारे संधि भी है, उनका भी घर बिलपुर है और हमारे संधि के बहनोई लगे संधि हुए, एक दो बार यहीं पे मुलाकात हुई है और कई पारिवारिक आयोजन में भी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो भरोसा और उम्मीद से आप उनके मुन पर रहा, मैं भी संकल्प लेता हूँ क्योंकि गंगा किनार का मैथिल हूँ और गंगा किनार के मैथिल होने के नाते जब नाम में ही गंगा जी आ गया है तो मैं गंगा किनार मैथिल होने के नाते संकल्प लेता हूँ कि संबद्ध कॉलेज के जितने भी संघर्ष के और आप लोगों के जो भी आंदोलन है उसमें कदम से कदम मिला के साथ चलूंगा। ये आपके ऊपर पिछले दिनों विश्वविद्यालय में हम लोग धरना पे बैठे थे और जो आप लोगों का जुटान था महाजुटान था, वो अंदर ऋषि साहब, कुल सचिव साहब सब बैठे हुए हैं, सब अंदर गुटपीट चल रहा है और हम लोग बाहर भी इनकलाब के नारों से पूरे विश्वविद्यालय को गुंजायमान कर रहे थे और अंततः हमारे 5-10 प्रतिनिधि हम लोग गए अंदर और 10 दिन का टाइम लिया गया था। तो हमने उस समय देखा तो आदरणीय राम मोहन जी कहे कि 10 दिन तो भाग गए हैं, अखन तक चिट्ठी नहीं निकाले और राम सुभाग जी भी थे उसमें और भी हमारे कई सम्मानित साथी थे, तभी कोनो बात नहीं चलो और हम लोग बारिश में भीगते हुए इनके निवास पे आए और कुल सचिव जी के पास पहुंचे कि इरादा क्या है ये बता दीजिए, अगर इरादा बढ़िया है तो 2-4 दिन विलंब चल सकता है और ये अगर इरादा बढ़िया नहीं है तो संबद्ध कॉलेज के तमाम कर्मचारी और शिक्षक इतना है कि आपका 8 सीट बजाने के लिए हाथ में तैयार है। खुले शब्दों में हमने बात किया था और ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। पूरे देश में एक नया प्रयोग चल रहा है 8-10 वर्ष से,
विश्वविद्यालय में तमाशा हो रहा है, गवर्नर हाउस में तमाशा हो रहा है।